समझ ही सकते हैं कि एक इंसान, एक मतलब कोई ज्यादा नहीं था, वो छोटा था मेरे से। बहुत हम जैसे तैसे, मतलब ठीक है जिंदगी में जीना पड़ता है, हर जगह कुछ करना पड़ता है, वो कर, तो वो मतलब मेरा कि उन्हीं सब ये जो हो रहा है, सब लोगों के आशीर्वाद, स्नेह वगैरह, अच्छा हिम्मत मैम, आप ही लोगों के हम लोग कारण है। हमने देखा कि जब से ये शुरुआत हुई है हम लोग यहाँ बहुत नज़दीकी से देखते हैं, कई बार आके भी गए। आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब भी यहाँ होते हैं खुद देखते हैं, खुद मॉनिटरिंग करते हैं मार्केटिंग, मतलब कितना इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं एक शिक्षा के। एक्चुअल में अशोक जी, अगर मैं बात करूँ, मेरे और भाई का जो बॉन्डिंग था ना, पता नहीं, मैं बाकी लोगों को तो होता ही है, ऐसा नहीं है, ब्लड रिलेशन से शायद मेरा बहुत अधिक था। अब जो मतलब कि अब मैं बता नहीं सकती, कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैंने उससे बात नहीं की हो। हम दोनों में 3 साल का गैप है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, उनके बेटे स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी की याद में हेमाराम जी ने अपनी ही जमीन, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इस क्षेत्र के युवाओं को आगे लाया जाए, इसके लिए अपनी जमीन उनके बेटे की याद में दान कर दी। और उनकी बहन, वीरेंद्र चौधरी की बहन एडवोकेट सुनीता चौधरी ने उसी जमीन पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है जिसका नाम वीरेंद्र धाम है, और इसी बिल्डिंग में एक छात्रावास का संचालन होगा और उस छात्रावास का उद्घाटन आगामी 6 मई को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश भर के कई नेता यहां पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। क्या है ये छात्रावास, किस तरीके से समाज में एक शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो पहल की है वो किस तरीके की पहल है, और उनकी जो डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी स्वर्गीय उनकी बहन डॉक्टर एडवोकेट सुनीता जी हैं, वो लगातार जब से ये बिल्डिंग बन रही है खुद इनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार हर एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं, बाहर से आर्किटेक्ट बुलाए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके भाई की याद में जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल उन्होंने की है। मैं बात करना चाहूँगा सुनते जी आपको, बिल्कुल सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में इतनी अच्छी पहल आपके स्वर्गीय भाई की याद में। किस तरीके से इस हॉस्टल का जो संचालन होगा और कब इसका शुरुआत होने वाला है? सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन अशोक जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि वीरेंद्र को हमने जो खोया है, वो शायद हम कुछ भी कर लें आज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हमने एक छोटा सा प्रयास करते हैं, ताकि वो भी एसोसिएट प्रोफेसर था, शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो उसकी यादें ताज़ा रखें। तो मेरे पिताजी का हमेशा ऐसा ही जनता का कार्य में रुचि रही है, जनता के लिए हमेशा उनका प्रयास रहा है, वे उनके लिए वो कुछ ज़्यादा कुछ कर पाए। जब वो जयपुर में 1980 से जब MLA बने, तब से उन्होंने अपने क्वार्टर में खूब स्टूडेंट्स रखे, और सारे स्टूडेंट कोई IPS IAS सब बने। आज कम से कम 400-500 स्टूडेंट आए, यहाँ निःशुल्क रहते थे, पढ़ते थे, वो सिर्फ एक अपना एक रूम ही रखते थे। तो उनका शुरू से नेचर रहा है कि गरीब लोगों को शिक्षा देना उसके प्रति, ताकि वो आगे बढ़ सके। इस सबसे बड़ी बात है कि अशोक जी, इस चक्कर में हमने अपनी पढ़ाई भी बाड़मेर की, हमारा एडमिशन बाबा साहब नहीं लेके गए कि नहीं तुम यहाँ पढ़ो, जो हमारी बाड़मेर के जो बच्चे हैं वो अगर जयपुर रहेंगे पढ़ेंगे पढ़ाई वाले, उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा कोइंसिडेंट हो गया ये, तो फिर उसी के हमने वीरेंद्र धाम बनाया। और हमने ये वीरेंद्र धाम का उद्देश्य सिर्फ दिखावा या हमें पॉपुलैरिटी या कुछ ऐसा नहीं करना है, मतलब लोगों को जो वाकई में, जरूरतमंद के लिए कैसे ये काम आए। हाँ, जरूरतमंद के लिए, कि उनको हम किस तरह से सुविधा दे। ऐसा भी नहीं है कि हम है ना उनको जैसे ऐसे ही रूम दे दिया दिखावे के लिए, नहीं, हमसे जितना बन पड़ेगी हम उनसे इतनी बढ़िया फैसिलिटी देंगे ताकि उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर रहे और उनको किसी तरह का कहीं भी ध्यान डिस्टर्ब नहीं करना पड़े। तो यही ध्येय रखे हमने ये वीरेंद्र धाम की स्थापना की है। अच्छा मैम, जिस तरीके से हेमाराम जी शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम अदब से लिया जाता है, चाहे बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों को, आप उन्हीं के पद चुनाव पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि इसमें जो है इसका शुरुआत 6 मई से शुरू हो जाएगी, जी कौन जी सी क्लास तक के बच्चे, उसमें क्या कैटेगरीज रहेगी, किस तरीके से आप एडमिशन लेंगे, या फिर क्या क्या क्राइटेरिया तय किया गया? अशोक जी, वैसे अभी तक हमने हमारा ध्यान सिर्फ वीरेंद्र धाम को बनाने में ही था इतना टाइम, कि एक अच्छी सी बिल्डिंग तैयार करें जिसमें सारी सुविधाएं हो, ताकि वो अपने बच्चा सिर्फ अपनी जो थीम है, जो उसकी है, वो उस पर ही ध्यान केंद्रित कर सके। तो उसके बाद में हम एक बाद में बैठ के अभी निर्णय लेना है अभी तक,
कि एक कमेटी गठित करेंगे बुद्धिजीवियों की, और वो कमेटी के साथ मिलकर हम काम करेंगे, सारे समाज को सहयोग लेंगे, अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता है, और उनसे राय लेंगे कि किस तरह हम करें, और जैसे हो सके तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से सेमिनार्स कराने, इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लासेस कराने, तो जितना हमसे हो बन पड़ेगा वो कोशिश करेंगे, उसके लिए आगे रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सचिन पायलट जी आ रहे हैं अपने आप में, तमाम लोग भी आ रहे हैं, तो अपने आप इसका आगाज होगा किस तरीके से, एक जिले वासियों नहीं मैं तो कहूँगा पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात आप लोग दे रहे हैं। जी ये सब आप लोगों की भावनाओं के और आशीर्वाद से हम कर पाए। एक इंसान अकेला शायद नहीं कर पाता है, अगर हम कर पाते तो हम अपने भाई को भी बचा पाते, जो हमें मतलब आप समझ ही सकते हैं कि एक इंसान एक मतलब कोई ज़्यादा नहीं था, वो छोटा था मेरे से, बहुत हम जैसे तैसे मतलब ठीक है ज़िंदगी में जीना पड़ता है, हर जगह कुछ करना पड़ता है, वो कर रहे तो वो मतलब मेरा कि उन्हीं सब ये जो हो रहा है सब लोगों के आशीर्वाद स्नेह वगैरह। अच्छा मैम, हमने देखा कि जब से ये शुरुआत हुई है हम लोग यहाँ बहुत नज़दीकी से देखते हैं, कई बार आके भी गए, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब भी यहाँ होते हैं खुद देखते हैं, खुद मॉनिटरिंग करते हैं, मार्केटिंग मतलब कितना इंटरेस्ट लेके काम करें एक शिक्षा के। एक्चुअल में अशोक जी अगर मैं बात करूँ, मेरा भाई का जो बॉन्डिंग था ना, पता नहीं मैं बाकी लोगों का तो होता ही है ऐसा नहीं है, ब्लड रिलेशन से शायद मेरा बहुत अधिक था, अब जो मतलब कि मैं बता नहीं सकती, कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैंने उससे बात नहीं की, हम दोनों में 3 साल का गैप है, बहुत बचपन से लेके मतलब इवन मैं उसे हर रोज़ कॉल करती थी, इवन मतलब जो बातें हर बात शेयर करती थी, चाहे जैसे एक औरत की आदत होती है ना अपने घर की भी बात शेयर करना, ये हुआ हुआ मतलब कभी ऐसा दिन नहीं किया उसे शेयर नहीं की, तो उसकी इतना अटैचमेंट था, तो उस अटैचमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है तो अगर मुझे इस काबिल बनाया है तो मैं उसकी याद को संजोए रखूँ। निश्चित रूप से बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके की सोच है, ये कौन नहीं चाहता कि जो उनके पिताजी काम करना शुरू से चाहते थे अपने भाई की याद में, कौन इस तरीके का काम नहीं चाहते हैं, वाकई में बहुत ही सराहनीय ये काम किया है, और आज के ज़माने में ऐसी सोच वाले जो लोग हैं उनको वाकई में हर कोई सलाम करता है। मैं चाहूँगा कि तमाम हमारे दर्शक हैं इस प्रकार की जो काम कर रहे हैं उनको वाकई में आप देखिए कि किस तरीके से बहुत ही शानदार वीरेंद्र धाम यहाँ पर बनाया गया है, और 6 तारीख को इस वीरेंद्र धाम का आगाज़ किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, और उसके बाद से इस क्षेत्र के कई शिक्षा को ग्रहण करने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रहेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं अशोक जी निवेदन, सब हमारे जितने भी हैं जो भी देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारा राजनीतिक और हर धर्म जाति से अलग है फंक्शन है, तो इसमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप प्लीज़ मेरे भाई की स्मृतियों को और जो हमने सपने उसके लिए सोचे हैं उसको साकार करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करने, मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम में 6 मई को आदर्श स्टेडियम में ज़रूर पधारें। धन्यवाद।